सुबह अर्ली मॉर्निंग पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग को इस इंसिडेंट की मतलब की इत्तला मिली थी, और उसी के बाद जो पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग के जो ऑफिसर हैं यहाँ रश करे, और इनिशियल जो रेस्क्यू है उसमें उन्होंने मदद करी। इनिशियल इंक्वायरी के हिसाब से करीबन एक बोट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी यहाँ पार करते हुए, नदी पार करते हुए, और क्योंकि बारिश के कारण नदी में थोड़ा सा उफान भी था। तो उसके बाद करीबन इनिशियल इंक्वायरी में पता लगा कि करीबन 15 लोग लापता हैं। तो इनिशियल रेस्क्यू में फिर लोग इन लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया भी, बट कुल मिला के उसमें से 6 लोग जो हैं दे सकम्ड टू ड्राउनिंग एंड बाकी लोग रेस्क्यू है, और उनमें से टोटल अभी 3 लोगों की तलाश जारी है। तो तुरंत SHO राम मुंशी बाग ने जो उसी समय अपना रेस्क्यू टीम लाया, उसके बाद पुलिस का जो रिवर विंग है और SDRF NDRF की टीम्स को भी उसमें पुश किया गया। इवन स्पेशल रिक्विजिशन पे मार्कोस को भी, डाइवर्स जो हैं उसके स्पेशलाइज डाइवर, उनको भी इस टास्क में लगाया ताकि कोई बॉडी या कोई ऐसे रेमनेंट्स उनके मिल सकें। अभी भी कुछ 3 लोगों की जो है वो मिसिंग है। अलबत्ता हम लोगों ने शहर श्रीनगर में झेलम के किनारे जितने भी पुलिस स्टेशंस और बाकी लोग हैं उनको थोड़ा सा मोहतात करा कि अगर कोई भी टाइप का कोई सुराग या उस टाइप का मिले तो वो तुरंत यहाँ इतला दें और अपने इलाके में भी सर्चेस करें। अभी भी इस इलाके में सर्चेज अभी जारी हैं, तो वो मेरे ख्याल से दिन में, रात में और आगे जब तक वो बॉडी ट्रेस आउट ना हो तब तक ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा।